गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको सिखाने वाले हैं फेस वाइट एंड यहाँ पे फेस स्मूदिंग कैसे करें अपने फेस की। तो गाइज, आप भी अपने फेस की स्मूदिंग इस तरह की करना चाहते हो तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग इस तरह की फेस स्मूदिंग सिखाने वाले हैं आपको एंड इस तरह की फेस वाइट करके दिखाएंगे। एंड यहाँ पे आपको ओरिजिनल फोटो दिखा दूँ गाइज, यहाँ पे कुछ इस तरह की ओरिजिनल फोटो है हम लोग की एंड हम लोग ने फेस स्मूद करके सिखाया है आपको उस तरह का एंड आपको फेस वाइड करके भी उस तरह का सिखाया। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये वीडियो एंड आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से। एंड यहाँ पे आपको पिंपल हाइड करके दिखाऊंगा किस तरह से पिंपल हाइड किया जाता है अपने फेस का एंड यहाँ पे आपको इस तरह की भी एडिटिंग करके दिखाऊंगा। तो गाइज देख सकते हो बवाल एडिटिंग लग रही है हम लोग की एंड यहाँ पे आपको भी ऐसी एडिटिंग करना होगा। तो गाइज वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना क्योंकि मैं आज को आपको एक न्यू पार्ट बताने वाला हूँ ऑटोडिक्स ऐप में एंड न्यू टूल से आपको सब कुछ समझाऊंगा कैसे एडिटिंग होती है ऑटोडिक्स ऐप में। एंड गाइज बहुत ही इजी स्टेप में आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना। तो गाइज अभी हम लोग की फोटो की चीज तरह की एंड यहाँ पे हम लोग के पिंपल दिख रहे हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ऑटोडिक्स ऐप में फोटो को शेयर कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको ऑटोडिक्स ऐप में फोटो ओपन कर लेना है। फोटो ओपन करने के बाद गाइज कुछ ऐसा लुक दिखेगा हम लोग का एंड यहाँ पे आपको क्या करना होगा, टूल वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ पे गाइज नीचे स्ट्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे मीडियम ब्रश मिलेगा। तो गाइज मीडियम ब्रश को यूज़ करने वाला हूँ, पहले फेस वाइट करके आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। तो गाइज यहाँ पे अब हम लोग लेयर पे अपने कलर वाले पे आ जाते हैं। कलर वाले पे आने के बाद इसका हम लोग ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है तो यहाँ पे थर्ड वाला नीचे से थर्ड वाले पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे हल्का वाइट यहाँ पे कर लेना। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लेयर पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे फिर से लेयर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे नॉर्मल को सॉफ्ट लाइट कर देना। सॉफ्ट लाइट करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आइकन को बड़ा कर लेना होगा अपने। वापस से यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ जहाँ हम लोग को फेस को वाइट करना है। तो गाइज देख सकते हो इस तरह का फेस वाइट हो रहा है, हम लोग एक ही क्लिक में आपको फेस वाइट करके दिखा रहे हैं पहले। तो गाइज आपको फेस गोरा कैसे करना है ये ट्रिक है, इसको यूज़ करो, काफ़ी अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। तो ऐसे यूज़ करके अपने भी फेस को वाइट करो एंड मैं तो ऐसा ही करता हूँ, आपको भी कर लेना चाहिए ऐसा फेस स्मूदिंग के पहले। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं करके दिखा रहा हूँ एंड आपको सब कुछ इजी स्टेप में समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप वीडियो को लास्ट तक देखो। एंड गाइज अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग एक न्यू ट्रिक बताने वाले हैं फेस स्मूथ करने की। तो गाइज आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा एंड यहाँ पे आर्टिस्ट लिखा हुआ आपको दिखेगा। तो आर्टिस्ट वाला यहाँ ऑप्शन है एंड यहाँ पे हम लोग फिफ्थ वाला टूल यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे इसका साइज एंड यहाँ पे ऑपोसिटी आप देख सकते हो क्या रख रहा हूँ एंड स्ट्रेंथ एंड फ्लो दोनों को देख लो क्या रख रहा हूँ। तो गाइज ये इसको ध्यान से देखो क्योंकि यही मेन है एंड यहाँ पे आपको फेस स्मूथ करने की ट्रिक बता रहा हूँ एक न्यू ऐप से एंड यहाँ पे न्यू टूल से एंड एक न्यू टूल से बता रहा हूँ ऑटोडिक्स ऐप में फेस स्मूथ कैसे होता है। तो गाइज यहाँ पे मैं तो फेस स्मूथ करके पहले आपको दिखाऊंगा, पहले अपने वापस से लेयर पे आएंगे एंड यहाँ पे लेयर पे आने के बाद गाइज यहाँ पे आपको फेस स्मूथ करके दिखा रहा हूँ। गाइज देख सकते हो एक न्यू टूल बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा ऐसा टूल। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से फेस स्मूथ हो रहा है एंड आप ये टूल यूज़ करके आप भी अपने फेस स्मूथ काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आप देखो लास्ट तक वीडियो को। एंड गाइज यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का फेस स्मूथ हो चुका है एंड यहाँ पे फेस वाइट हो चुका है हम लोग की एडिटिंग कंप्लीट। एंड यहाँ पे आपको अब क्या करना होगा इस तरह का फेस स्मूथ करने के लिए, यहाँ पे बिफोर और यहाँ पे आफ्टर, तो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है मुझे। तो गाइज आप भी ऐसा फेस स्मूथ करो अपने फेस का एंड यहाँ पे आप खुद से फेस स्मूथ कर सकते हो एंड ऑटोडिक्स ऐप से एक न्यू ब्रश से सब कुछ समझा चुका हूँ एंड आप भी फेस स्मूथ करके अपनी फोटो को सेव करो।
बट अभी वीडियो एंड नहीं हुई, तो गाइज आपको जरूर देखना है लास्ट तक वीडियो, क्योंकि मेन पॉइंट लास्ट में है। तो गाइज वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करोगे, आपको लास्ट तक इंटर रहना है यहाँ पे। तो गाइज आपको सब कुछ समझाऊंगा लाइटरूम में एडिटिंग कैसे होती है, एंड आपको सब कुछ इजी स्टेप में बता रहा हूँ। गाइज आपको जरा सा भी स्किप नहीं करना है वीडियो, एंड अगर आप वीडियो स्किप करते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको कैसे एडिटिंग होती है लाइटरूम के अंदर। एंड यहाँ पे हम लोग की एडिटिंग स्टार्ट है गाइज, इसको सीन करो लास्ट तक कैसे एडिटिंग होती है यहाँ पे लाइटरूम के अंदर। आप भी ऐसी एडिटिंग करने के लिए इस तरह का यूज कर सकते हो एडिटिंग की ट्यूटोरियल, तो आप भी ऐसी एडिटिंग कर सकते हो मेरी तरीके से। एंड आपको लाइटरूम की फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो आई बटन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे हम लोग की एडिटिंग स्टार्ट है, एंड यहाँ पे एडिटिंग हो रही है। तो गाइज आपको भी ऐसी एडिटिंग करना है तो गाइज आपको वीडियो जरा सा भी स्किप नहीं करना। एंड बहुत से लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, बाद में कहते हैं गाइज ऐसा एडिटिंग तो नहीं हुआ मेरा, एंड यहाँ पे आपको करके तो दिखाया मैंने आपको। तो गाइज आप वीडियो जरा सा भी स्किप नहीं करोगे तो आपको एडिटिंग कंप्लीट समझ में आ जाएगी। एंड यहाँ पे लिप्स पे भी कलर मैं करके दिखाया हूँ इस वीडियो में, एंड यहाँ पे आपको इजी स्टेप में बताया हूँ। सिलेक्टिव टूल का यूज़ करके मैंने यहाँ पे लिप्स पे भी कलर किया है, एंड काफ़ी अमेजिंग तरीके से हमको समझाया यहाँ पे लिप्स पे कलर करके। तो गाइस काफ़ी अमेजिंग लग रही है मेरी फोटो, एंड यहाँ पे आपको दिखा दूँ बिफोर या आफ्टर। अभी हम लोग की फोटो एडिटिंग हो चुकी है गाइस, तो गाइस यहाँ पे आप भी ऐसी एडिटिंग करो और फोटो सेव करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।